watching Exposed India. नमस्कार, मैं प्रियंका अस्थाना, आप देख रहे हैं एक्सपोज इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी एक कार्यक्रम में संयुक्त रूप से चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड ग्रहण करेंगे। संयुक्त राष्ट्र ने 26 सितंबर को महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को ये अवार्ड देने की घोषणा की थी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम प्रवासी भारतीय केंद्र में होगा। प्रधानमंत्री मोदी के अलावा यह सम्मान 5 अन्य व्यक्तियों और संगठनों को भी दिया जाएगा। यह अवार्ड पाने वाले चैंपियंस 6 अलग अलग वर्गों में विभाजित होते हैं। ये चैंपियन नीति नेतृत्व, विज्ञान व नवाचार, प्रेरणा व एक्शन, लाइफ टाइम अचीवमेंट और उद्यमी विजन श्रेणी के तहत चुने जाते हैं। लेकिन क्या आपको मालूम है कि यूएनए का यह सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार भारतीय प्रधानमंत्री को आखिर क्यों दिया गया? नहीं ना, तो आइए हम आपको बताते हैं। यह सम्मान मुख्य तौर पर पर्यावरण के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। दरअसल पीएम मोदी को सतत विकास, जलवायु परिवर्तन और अपने अनुकरणीय नेतृत्व और सकारात्मक कदम उठाने को लेकर चैंपियंस ऑफ द अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। मोदी को अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन के नेतृत्व में 2022 तक भारत का एकल इस्तेमाल वाले प्लास्टिक व मुक्त कराने के संकल्प को लेकर चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड के लिए चुना गया। उन्हें नीति नेतृत्व श्रेणी के तहत यह अवार्ड दिया गया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एक्सपोज इंडिया पर और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।